क्या शादी के बंधन में बंधने वाले हैं बाबा बागेश्वर? कौन है उनसे शादी का प्रण लेने वाली शिवरंजनी? बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए दिन अपने किसी न किसी बयान या किसी गतिविधि को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इस बार का मुद्दा जरा हटके है। दरअसल इस बार बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। MBBS की एक छात्रा बाबा बागेश्वर के प्रेम में दीवानी हो गई है और इसने शादी करने का प्रण भी ले लिया है। बता दें कि बागेश्वर धाम के प्रेम में दीवानी हुई यह छात्रा मध्य प्रदेश के सिवनी की रहने वाली है। इसका नाम शिवरंजनी बताया जा रहा है। शिवरंजनी खुद को जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के परिवार का सदस्य बताती है। वह MBBS की पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई के साथ साथ उनका एक YouTube चैनल भी है, जिस पर वह अक्सर भजन कीर्तन के वीडियोस डालती रहती हैं। करीब 4 साल की उम्र से ही वह भजन गा रही हैं। शिवरंजनी की आवाज़ सुनकर भक्त भी भाव विभोर हो जाते हैं। फिलहाल 20 साल की MBBS छात्रा शिवरंजनी ने बाबा बागेश्वर से शादी करने का प्रण ले लिया है। वो गंगोत्री से मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम तक पैदल कलश यात्रा निकाल रही हैं। वे 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेंगी और फिर बाबा के सामने शादी का प्रस्ताव रखेंगी। शिवरंजनी का कहना है कि बाबा बागेश्वर सभी के मन की बातें जान लेते हैं, लिहाजा उन्हें पूरा यकीन है कि जब वे धाम पर पहुंचेंगी तो बाबा उनकी पदयात्रा के बारे में जरूर ही खुलासा करेंगे। डॉक्टरी की पढ़ाई से धर्म के प्रचार की तरफ आने के सवाल पर शिवरंजनी ने कहा कि हमारी फैमिली में शुरू से ही आध्यात्मिक माहौल रहा है। मेरा परिवार जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से संबंधित है। मेरे पिता पूज्य गुरुदेव के भतीजे हैं। बाबा बागेश्वर से शादी के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, वे अपनी इच्छा बागेश्वर धाम सरकार को मिलने पर बताएंगी। जो भी होगा वो समय आने पर बता दिया जाएगा। बाबा बागेश्वर की बात करें तो वो भी शादी की बात पर कह चुके हैं कि वे अपनी माता पिता की मर्जी से ही शादी करेंगे। एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू के दौरान शिवरंजनी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री उनके प्राणनाथ हैं। बाबा बागेश्वर को प्राणनाथ कहने पर शिवरंजनी ने कहा कि साल 2021 से ही मैं उन्हें इसी नाम से पुकारती हूँ, जब मैं उनसे पहली बार जुड़ी थी। कृपया हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।